मुकेश कटारिया इस वक्त हमारे साथ हैं। ये जो आप दलित पंचायत जो करना चाह रहे हैं, क्या कुछ उसके पीछे मकसद है जो आपने आज प्रेस वार्ता ही बुलाई? देखो, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत। ये जो 21 अक्टूबर 2024 को भारत में लगातार अनुसूचित जाति, जनजाति और आदिवासी समाज की लड़कियों के साथ गैंगरेप करके उनकी हत्या कर दी जाती है, इस मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार पर निशाना साधे गए कि जब हम लोगों की वोट की जरूरत पड़ती है तब आप लोग हमारे पास आ जाते हो, जय भीम बोलते हो, हर चीज़ करते हो, लेकिन जब हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार, अत्याचार, शोषण होता है तब हम लोगों के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते? तो ये हम लोग आज इसकी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है और इस मुद्दे को और इसका आवाज़ को उठाने का कार्य कर रहे हैं। जो 21 अक्टूबर को, ये एक विशेष जाति या धर्म की नहीं है, ये उन बहन बेटियों के लिए है, चाहे देश में किसी भी धर्म, किसी भी जाति की बेटी हो। खास करके सहारनपुर दलितों का गढ़ माना जाता है, दलित और मुस्लिमों का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस सहारनपुर ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा दलित समाज की बेटियों के साथ गैंग रेप करके उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन अभी तक आरोपी कुछ फरार हैं, कुछ मामलों में तो फरार है, कुछ में अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं हो रही, पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है। एक लड़ाई तो चंद्रशेखर आज़ाद भी लड़ रहे हैं सांसद, क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं, ये सवाल है, क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड में जो आरोपी थे वे, उन्हें बेल मिल गई है, क्या लड़ाई लड़ी? केवल मुद्दे को दबाने के लिए सरकार द्वारा भेजा गया था प्री प्लान कि किसी तरह मुद्दे को दबाए। यहाँ पर जो असल की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका तो कहीं नाम तक नहीं है। और मैं एक चीज़ बता दूं, चंद्रशेखर भाई का जनपद गृह है, ये उनका ज़िला है, अपने ज़िले में ही अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, जिस ज़िले के दलित समाज ने और मुस्लिम समाज ने उसे ऊंचाई पर पढ़ाया है, आज उन्हीं की वो आवाज़ नहीं उठा सकते, उन्हीं के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते, उन्हीं के पार्टी के लोगों ने ये गैंगरेप किया है हैदरपुर में लड़की के साथ, क्यों आवाज़ नहीं उठाई? तो क्या लड़ाई लड़ेंगे? लड़ाई लड़ना कहना बहुत आसान है, लेकिन बहन बेटियों की लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप बड़ी लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, संघर्ष की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो समर्थन मिलना चाहिए वो तो आपके पास कितना है? पब्लिक तो आपके साथ ज़्यादा दिखती भी नहीं, अगर आप प्रोग्राम भी करते हैं तो। देखो, मतलब पब्लिक से नहीं होता, हमें भेड़ आर्मी नहीं चाहिए, हमें चाहिए चाहे वन मैन आर्मी, एक आदमी 1000 के बराबर होना चाहिए, भीड़ तो एक झटके में ही उड़ जा। अगर मेरे 10 बंदे भी आते हैं हमारे समाज के या अन्य समाज के, ये महापंचायत, मैंने क्या बताया, एक जाति धर्म की नहीं, दलित जरूर रखा, दलित का मतलब ये नहीं कि अनुसूचित जाति, दलित का मतलब है दबा कुचला, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो सकता है। तो इन बहनों को न्याय दिलाने के लिए जो बात रखी गई है भीड़ का, वो 21 अक्टूबर 2024 को जो हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम लगातार लगी पड़ी है, और हमारे जिलाध्यक्ष जी मोनू कुमार जी ये खुद संघर्ष कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। आज से हमारा यहाँ पे कैडर शुरू हो जाएंगे, आज से हम लोग इसका प्रचार करेंगे। लेकिन जो भीड़ की आप बात करें, भीड़ तो आपसे ज़्यादा तो चंद्रशेखर लेके घूम रहे हैं, वो कहाँ से लाएंगे इतने लोग? आप चंद्रशेखर को तो लोगों ने सांसद भी बना दिया। नहीं, वो अच्छी बात है, सांसद बना दिया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि सांसद बना दिया है, ठीक है, ये प्रोटोकॉल है, वो अच्छा ही है लोगों की, उन्होंने वोट दिया, लेकिन उस पर कितना खरा उतरते हैं चंद्रशेखर भाई, अब ये देखना है। रही भीड़ा भीम के, वही जिस समाज पर बसपा का टिका हुआ है वर्चस्व, जिस समाज पर बहुजन समाज पार्टी का, नहीं आज़ाद समाज पार्टी का टिका, और जिस पर तमाम लोगों का विश्वास टिका हुआ है, वो समाज ऐसा भला समाज है कि वो सबके लिए आवाज़ उठाने का कार्य करते हैं। उस समाज का तो शोषण हो रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, हर कोई शोषण करने पे लगा हुआ है, तो आप शोषण नहीं होने देंगे, हम किसी से भी शोषण नहीं होने देंगे समाज का। आपको तो भीम आर्मी वाले घेरते हैं, आज़ाद समाज पार्टी वाले के सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में आप चंद्रशेखर को निशाना बनाते हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। नहीं, हम बरगला रहे नहीं, हम चंद्रशेखर भाई का हमने साथ दिया। चंद्रशेखर भाई जब जेल काट रहे थे, फरारी काट रहे थे, तब हम लोगों ने 6-6 महीने, साल भर अपने घर नहीं गए, एक एक जोड़ी कपड़ों में हमने मेहनत करी। आज वो थोड़ा सा मुस्लिम भाइयों को डाइवर्ट किया, इधर दलितों को डाइवर्ट किया, तो आज इन दोनों कम्युनिटी का नेता बन गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब किसी बहन बेटे के साथ बलात्कार, अत्याचार, शोषण होता है, तो चंद्रशेखर भाई ने आज तक एक चीटी भी मार के दिखाई क्या? किसको सजा दिलवाई? एक भी बहन को, एक भी भाई को न्याय दिलवाया तो बताइए। ये सब प्लान है आरएसएस का कि किसी तरह इन दलितों और मुस्लिमों को भटकाने के लिए एक नया एजेंट छोड़ा जाए, और वो एजेंट छोड़ दिया। जितनी फैसिलिटी, सुरक्षा जो दी जा रही है, वो सारी सरकार द्वारा दी जा रही है। ये तो पहले आपने कहा था चंद्रशेखर चांद मोहम्मद, और अब आप एजेंट बता रहे हैं उनको तो सीधा? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं तो अब भी कह रहा हूँ चांद मोहम्मद रख ले, अच्छी बात है, काहे नहीं वो धर्म कबूल कर रहे भाई। सबसे पहले तो दलितों ने उठाया उसे, बाद में मुस्लिम भाई बाद में ही तो लगे, लेकिन सबसे पहले तो दलितों ने उठाया। आज वो दलितों की बात कहाँ कर रहे हैं? दलितों के लिए कहाँ आवाज उठा रहे, बताइए। जा रहे हैं जगह जगह दलितों के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, वो लोग उनके प्रोग्राम में आ रहे हैं। प्रोग्राम में तो आना जाना मेरे को बुला लेगा कोई, लेकिन असल आवाज उठाने वाला चाहिए ना। और इस कार्यक्रम में खुद
अनुसूचित जाति की चेयरमैन जो अभी बनी है नीरज सिंह, इस कार्यक्रम ने स्पेशल बुलाई है। हम उनसे सवाल जवाब करेंगे, उनसे बात रखेंगे कि आप एक महिला होकर अनुसूचित जाति की चेयरमैन होकर इन बहन बेटियों के लिए क्या आवाज़ उठाएगी, तो उनसे भी सवाल किया जाएगा। तमाम अन्य ऐसे लोग बुलाए हैं जो अपना सीना ठोक के बात करते हैं, उन्हें समाज के सामने खड़ा करेंगे, मीडिया के सामने खड़ा करेंगे, क्योंकि मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है, वो दबा भी सकता है और उठा भी सकता है। चंद्रशेखर से भी सवाल करेंगे क्या? चंद्रशेखर का तो घेराव हो गई है, असल में तो घेराव इन लोगों का ही है जो जिन्होंने दलितों का इस्तेमाल किया, इन पर राजनीति करी, इनके बच्चों पर मुकदमे लगवाए, इन बिचारों को घर से बेघर कर दिया, उसी उन्हीं का तो घेराव है। आज ये 21 अक्टूबर को महापंचायत हो रही, इन बलात्कारियों का ऐसा ही इतिहास लिखेगी कि जिंदगी में देश के अंदर बलात्कार होने बंद हो जाएंगे। तो पहले इन्होंने, लोकेश कटारिया ने, जो भीम आर्मी चीफ और जो नगीना सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनको कहीं ना कहीं चांद मोहम्मद कहा था, तो अब कहीं ना कहीं उनको एजेंट बता रहे हैं और तीखे हमले जो हैं इनकी तरफ से किए जा रहे हैं, कई तरह के आरोप इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा 21 अक्टूबर को एक बड़ी पंचायत करने की जो घोषणा है वो उनकी तरफ से की गई है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो दलित बहु बेटियों पर जो अत्याचार हुए हैं उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन जो है वो नेशनल भीम आर्मी जो है वो करने जा रही है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।